एनएसजी में भारत की दावेदारी को नाकाम करने का पाकिस्तान ने दावा किया है। पाकिस्तान की संसद को नवाज शरीफ के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने बताया कि पाकिस्तान ने एनएसजी की मेंबरशिप हासिल करने की भारत की कोशिशों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया। अजीज ने कहा कि एनएसजी में जाने का पाकिस्तान का दावा ज्यादा मजबूत है। अजीज का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब इसी हफ्ते एनएसजी के 48 देशों की सियोल में बैठक होनी है, जिसमें भारत और पाकिस्तान की सदस्यता की अर्जी पर फैसला हो सकता है। अजीज ने सांसदों से ये भी कहा कि पाकिस्तान अलग थलग नहीं है और उसकी आधिकारिक विदेश नीति विश्व की नई परिस्थितियों के अनुकूल है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अन्य देशों के मामले में दखलंदाजी नहीं करने की नीति का पालन करना जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य बनने के बाद पाकिस्तान की राजनीतिक भूमिका बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से इंटरव्यू के दौरान अजीज ने कहा कि भारत ने हमेशा दक्षिण एशिया क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने की कोशिश की, जबकि पाकिस्तान ने प्रभावी रूप से अपने हितों की हिफाजत करते हुए इसे खारिज किया है। गौरतलब है कि विपक्षी दलों ने पाक सरकार पर आरोप लगाया था कि क्षेत्र में पाक अलग थलग पड़ गया है, सरकार राष्ट्रीय हितों की रक्षा में असफल रही है और उसे अपनी विदेश नीति में बदलाव करने की जरूरत है।